हाय सुलेन भैया सब बता देती ने बाबू कि कैसे भूत लावल जाए। सबसे पहले हमारे गुरु सुनील भैया तोरा प्रणाम करे छु। तो आंख खोल के देखिए, आंख फटे के फटे रह जाएंगे। मात्र दूसरा वीडियो डाले हैं और इनका वीडियो वायरल हो गया है मेरा तरीका से। तो आप बताइए कैसे इस वीडियो को वायरल किए हैं। ये मतलब 20 वीडियो ही डाले हैं, लॉन्ग वीडियो, और इस पे 700 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए पॉपुलर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला वीडियो पे 43,000 व्यू जाएंगे मात्र आप 2 महीने में। कैसे किए हैं? सबसे पहले हमारे गुरु सुनील भैया तोरा प्रणाम कर चुका और देख सुनील भैया का चैनलवा का तनी सब्सक्राइब कर लू। देख हम सगरों वीडियो देख लू लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिला हमारा, ठीक ना। फिर एक दिन सुनील भैया के चैनल पर घुस विजिट कर लूँगा, ओकर बाद हमारा का होल ना कि सुनील भैया बोलल थून हमारा, और ओकर बाद हमारा सब पर्सनली बटल थून कि बाबू ऐसे ऐसे चैनलवा के तू कर रही वीडियो डाला तो चैनलवा तुरंत गर्व हो जाता। और देखिए यहाँ पर मात्र कुछ ही वीडियो डाले हैं और इनके चैनल पे 43,000 व्यूज आए हैं। मोस्ट पॉपुलर पर मैं क्लिक करता हूँ। कितने दिन का पुराना चैनल है? मेरा 2 महीना हुआ है और उसके 2 महीना में भी 408 सब्सक्राइबर और 25 को वीडियो डाले हैं बाबू। रुका रुका तो ही सबके लगी छोटा ना कि मानी में राज के वीडियो को व्यूज लाई थी ना, ऐसा बात ना है। सुनील भैया सब बता देती है बाबू कि कैसे व्यूज लावल जाए। ये सब सुनील भैया का तरीका है, स्वैग है स्वैग। देख टिप को तोड़ देखा तोड़ देखा उनका है एक में दम भाई, दिमाग है दिमाग। तो ये देखिए ये भाई का ही वीडियो है। और बताइए भाई कुछ और क्या मैं आपको बताया हूँ? एक बात आप सुन लो तो इनके लगन छुटवा की चलाना मोटाइज ना होता है थमलेटवा डेल लगा ले ही था ऐसा बात ना सब सिखा देती है यूट्यूब के बारे में। और जब ये 4 घंटा होते ना 4,000 घंटा और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा होते ना तो थमलेटवा के क्या करूँ हटा दे हटवा देती भाई आ चुट दे चैनल ठीक है ना। तो फिर आता थी फिर अबू आ फिर तो नहीं देखेबू का हुआ है देखियो सुनील भैया के स्वैग है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोग ना इनके चैनल का सारा स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कितने इन्होंने घंटा वॉच टाइम पूरा किए हैं, कितने व्यूज लाए हैं, सारा कुछ दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए इनके चैनल का नाम है किसका कॉमेडी और इनके चैनल पे 708 सब्सक्राइबर है और मात्र देखिए 13,700 व्यूज है और इनको वॉच टाइम मिले हैं अभी पिछले 28 दिन में 522 घंटे। इसमें दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, वॉच टाइम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इनके चैनल पे वॉच टाइम कितना हुआ है वो पहले देखिए। मात्र दोस्तों दूसरा ही वीडियो इनका वायरल हुआ है। कैसे वायरल हुआ है वो मैं आप लोग को तरीका बताने वाला हूँ। ये देखिए 365 दिन मैं करता हूँ लास्ट 365 दिन और इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, कितने वॉच टाइम हो गए हैं 1476। देखिए कब ये चैनल बनाए थे, देखिए ये जुलाई में बनाए थे ना, जुलाई में जून में जून 22 जून को जी 22 जून को बनाए थे। तो कितना हो गया 22 जून हो गया तो पूरा जून जुलाई चला और ये अगस्त चला, 2 महीना 3-4 दिन हुए हैं इनके चैनल पे 1400 घंटा वॉच टाइम हो गए हैं। और सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं ये देखिए दोस्तों आप लोग, सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं किसका कॉमेडी है और ये वीडियो रैंक भी कर गए हैं और इनका चैनल जल्दी ही दोस्तों मोनेटाइज हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। जो तरीका से मैं बताता हूँ इनको काम करने के लिए वही तरीका दोस्तों अपनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट में मैं क्लिक करता हूँ और देखिए अभी व्यूज कितने आ रहे हैं। ये देखिए 500 व्यूज 700 व्यूज 800 2500 900 1200 इस तरह से दोस्तों इनके चैनल पे व्यूज आने लगे हैं। तो पहले आप गलत दिशा में काम कर रहे थे, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे काम कर रहे हैं तो फिर आपने समझा कि इस तरह से भी काम किए जाते हैं। अच्छा इससे भी पहले मैंने आपको एक चैनल आइडिया दिया था जी जी, उस चैनल का क्या नाम था? उस चैनल का नाम था बिहार ब्रो ड्रीम करके, ठीक है, लेकिन उस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमको मिला था लेकिन किसी वजह से हम चैनल को अभी डिले किए हुए हैं, उस पर भी मैं काम करूंगा। अच्छा वो उस चैनल पे मैं तरीका जो बताया था वो काम किया था कि नहीं? बहुत अच्छा से काम किया था सुनील भैया जी, आपको हम गुरु मानते हैं और उसमें भी बहुत उसमें भी 1500 सब्सक्राइबर और वहां पर हो गया था वॉच टाइम भी 1500 हो गया था। तो क्या लगता है आपको यूट्यूब को बिना सीखे हुए समझे हुए अगर काम करेगा तो किसी का वीडियो वायरल होगा? नहीं होगा, जब तक आप जैसे गुरु नहीं रहेंगे तब तक किसी का वीडियो वायरल नहीं होगा भैया जी। देखिए मैं तरीका बताया था आपको जी भैया, जो भी इंसान आज तक हमसे मिले हैं या उनसे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ तो मैं तरीका बताता हूँ
और आप भी देखे होंगे, जितने भी दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जितने भी लोग हमसे मिले हैं, हमसे पर्सनली बात करके सीखते हैं समझते हैं, उनको मैं सही तरीका बताता हूँ। देखिए YouTube पर कोई ट्रिक नहीं होता, पहले भी आपको ऐसा लगता था ये हमसे मिले थे तो जानते हैं क्या पूछ लेते हैं कि कोई ट्रिक व्रिक होता है क्या भैया, क्या बोले थे कि सेटिंग वेटिंग कर दीजिए चैनलवा में, चैनलवा चलने लगेगा लेकिन मैंने इन भाई को बताया कि भाई देखिए कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होता है, आप तरीका से काम करेंगे ना आपका वीडियो वायरल होगा चलेगा। तो हमने इनको अच्छे से समझा दिया था और उसके बाद ना इनसे बातचीत नहीं हो रही थी, अचानक इनका ये वीडियो डाले, जो तरीका तो मैंने बताया कि भाई किस तरीके से काम किए जाते हैं YouTube पे, कैसे वीडियो वायरल होते हैं, किस तरह से आपको टाइटल लिखना चाहिए, किस तरह से थंबनेल बनाना चाहिए, मैंने बता दिया था उस समय। और उसके बाद ये गए घर पे फिर काम किए और ये देखिए वीडियो वायरल कर लिए। मात्र कौन सा वीडियो वायरल हो गया था, ये पंचायत, अच्छा तीसरा वीडियो वायरल हुआ था, ये पहला डाले ये नहीं चला, फिर दूसरा वीडियो डाले तो कुछ कुछ चला और तीसरा वीडियो उससे ज्यादा चला। तो इस तरह से ये अपने चैनल को ग्रो किए हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि ये अपने चैनल पे इतना जल्दी वीडियो को वायरल कैसे कर लिए। तो भाई को मैंने शेयर किया था पहला नंबर वन कंटेंट बनाने की कला, है ना जी, कंटेंट बनाने की कला, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई वीडियो किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, कंटेंट बनाने की कला में बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसको क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, जिसमें एडिटिंग भी आती है, एडिटिंग आ गए फिर उसमें क्या होता है थंबनेल भी आ जाएंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में थंबनेल भी आ जाते हैं। फिर उसमें होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप स्क्रिप्ट भी करते हैं ना जी भैया, स्क्रिप्ट भी करते हैं हम आपके कहे अनुसार हम वीडियो में, हाँ स्क्रिप्ट भी करते हैं। और सबसे बड़ा चीज होता है ऑडियंस को समझना, जो समझना कि भाई आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। भाई को मैंने बताया था कि देखिए आपका वीडियो तभी चलेगा जब आपके वीडियो में कुछ रहेगा, आप अच्छा स्क्रिप्ट कर पाएंगे। तो भाई ने वीडियो में स्क्रिप्ट डाले, फिर उसके बाद एडिटिंग भी डाले, उसके बाद थंबनेल भी बेहतर बनना है, और सबसे मेन यहाँ पर इंपोर्टेंट होते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिस तरह से आप बताए थे भैया जी उस तरह से डालते हैं, तो हम वीडियो रैंक करता है मेरा। देखिए सारी वीडियो रैंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए अब ऐसा होता कि सारा वीडियो रैंक कर पाए तो भाई मैं भी बहुत सारे लाखों व्यूज ला जाता, करोड़ों व्यूज लाता, लेकिन सभी वीडियोज पे वो चीजें मतलब नहीं देखा जाता है, टॉपिक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग सही तरीके से काम ना करें, हमको सही तरीके से काम करना है, चले या ना चले उसके वो बात की बात है, लेकिन आपको ना एसईओ हर वीडियो में करना चाहिए सही तरीके से, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मान लीजिए कि हमने थंबनेल भी अच्छे से बनाया, ठीक है एडिटिंग भी अच्छे से किए और स्क्रिप्टिंग भी अच्छे से किए, और एसईओ ढंग से नहीं करेंगे ना तो आपका वीडियो चलने वाला नहीं है, ज़्यादा चलेंगे भी तो उतना नहीं चल पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें होती हैं जिसको मिला करके ना एक प्रॉपर वीडियो बनते हैं, और उसके बाद जो कि वायरल होते हैं, जो कि आपको मैं इस चैनल पे बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई सुनील भाई से मैं सीखूं समझूं, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई का चैनल का नाम है ये है जो कि किसका कॉमेडी, ये देखिए किसका कॉमेडी, तो इस चैनल को भी दोस्तों जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इनकी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, देखने में मजा आपको आएंगे, है ना। ये देखिए इनके चैनल का दोस्तों लिंक मैं ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। और इनको भी सोशल मीडिया से पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ करने हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कुछ भी दिक्कत होगा अभी जब पूछते हैं रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है भैया जी से, रिप्लाई हमेशा मिलता है, जब भी कॉमेंट करते हैं या फोन करते हैं तो भैया जी तुरंत ही उसका रिप्लाई देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दे पाते हैं, कभी कभी काम की वजह से भैया जी इतना काम में बिजी रहते हैं तो किसी कारणवश नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हमेशा रिप्लाई देते हैं भैया जी। हाँ। तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को भी फायदा मिले। हाँ। और आप लोग इनसे सीखें, क्योंकि भाई देखिए सीखना बहुत जरूरी है, अगर बिना सीखे हुए आप लोग काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अपने वीडियो को वायरल करने में। ये दोस्तों पहले ना ये उतना चीजों को नहीं जा रहे थे, फिर हमसे पर्सनली मिले ना तो इनको मैं अच्छे से गाइड किया, और गाइड करने के बाद मतलब ज्यादा इनको समझ में आने लगा। उसके बाद क्या किए हैं ये अपना चैनल बनाए, फिर इनको पता चल गया कि मैं किस तरह का वीडियो डालूंगा तो चलेगा, फिर इन्होंने डालना शुरू कर दिए, वीडियो वायरल हो गया। और आने वाला समय में ना इस चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, मैंने भैया को बताया वो तरीका कि आपको कौन से लोगों को कॉमेडी में रखने हैं, किस तरह से आपको कॉमेडी बनाने हैं कि आपका चलेगा, क्योंकि करेक्टर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप बढ़िया करेक्टर लोगों को नहीं दीजिएगा करेक्टर करने के लिए,
और बढ़िया से मान लीजिए कि इनको रोल दिए और ये रोल अच्छा से नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि देखिए ये भाई ना अच्छा से रोल नहीं निभा रहे हैं, कोई दूसरा को पकड़ लाए, कुछ अच्छा करने वाला को पकड़ लाए, उस अनुसार से लाएंगे, उस तरह से फिर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कोई कर पाएगा वो चीज़ को, तो फिर ज़्यादा लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा जब देखेंगे तो यूट्यूब को लगेगा भाई वीडियो अच्छा बना रहा है बंदा, इनके वीडियो पर लोग रुक रहे हैं, ऑटोमेटिक उसको रीच आउट करेंगे। और थंबनेल बनाने के लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे थंबनेल बना रहे हैं, ये देखिए ये नए यूट्यूबर नहीं है, ये सीखे समझे हुए यूट्यूबर है, ठीक ना। बस भैया जी जिस तरह से वीडियो में बताते हैं उस तरह से इनके वीडियो देख करके हम थंबनेल बनाना सीखा है, बताइए। और आप भी इनके वीडियो को देखिए और मैं इनको और थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए आज ही इनको मैंने एक चीज बताया था फॉन्ट के बारे में, बताया था ना जी भैया, लेकिन फॉन्ट ऐड नहीं हो रहे किसी कारण से, तो वो भी मैं इनके ये फोन में ऐड करवाऊंगा फॉन्ट, जिसकी वजह से ये ना एट्रैक्टिव थंबनेल बना लेंगे। यानी कि कहा जाए तो ऑल ओवर यूट्यूब के बारे में इनको मैं सिखाने वाला हूँ, अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, जो मैं जानता हूँ ना मैं भाई को सिखाऊंगा। तो भाई आप लोग से ही तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि अगर आप लोग को यूट्यूब के बारे में सीखना है बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और लास्ट में फिर मैं बोलूँगा कि इनके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, अगर अच्छे लगेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।